बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अमेज़ॉन एफिलिएट कोर्स लेक्चर नंबर 5। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए कैसे कंटेंट राइटिंग की जाती है और एक अट्रैक्टिव कंटेंट कैसे राइट किया जाता है जिससे हमारी वेबसाइट रैंक हो सके, और SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट राइट करने की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं आज की इस वीडियो के अंदर फुली डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट आपने एंड टू एंड वॉच करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ कवर करने वाले हैं, हम अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए कैसे आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, या फिर हमने किसी आर्टिकल राइटर को हायर भी करवाना है, देन हमें ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए आर्टिकल लिखवाने की क्या स्ट्रेटजीज हैं, कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनको कवर करना लाजमी होता है, और अपने कंटेंट को ऑन पेज SEO कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। जब तक आपको खुद को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, आप अगर कंटेंट राइटर को भी हायर करते हो तो वो आपको स्कैम कर सकता है आपके साथ, या फिर आपको कॉपी पेस्ट करके आपका आर्टिकल दे सकता है। जब तक आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज नहीं होगा, आप जितनी मर्जी SEO कर लें, आपकी वो पोस्ट रैंक नहीं होगी गूगल के फर्स्ट पेज के अंदर, जब तक आपकी ईच एंड एवरीथिंग मेन पॉइंट्स को कवर नहीं करेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से गाइड करने वाला हूं कि आर्टिकल्स के लिए कैसे मेन टाइटल क्रिएट किया जाता है, एक कैची टाइटल्स कैसे हम अपने आर्टिकल के लिए लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फिर एक कंटेंट राइटर से कैसे लिखवा सकते हैं। उसके बाद मेन पार्ट जो कि आर्टिकल्स का आ जाता है, उसमें हम मेन पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, उसके अंदर क्या चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए, उनकी वर्डिंग कितनी होनी चाहिए, और हमने आर्टिकल्स की वर्डिंग कितनी रखनी है, और उनके अंदर कितने कितने वर्ड्स के ऊपर कौन कौन सा पैराग्राफ हमारा जो है वो मुश्तमिल होना चाहिए। एंड देन हम कवर करने वाले हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स हमने कितनी ऐड करवानी है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और उनके जो है प्रोज एंड कॉन्स कैसे लिखे जाते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट में हमने कंक्लूजन या ओपिनियन कैसे देना है, और उसके अंदर क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो कंप्लीटली वॉच करना है। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मोती हसन एंड यू वॉच माय चैनल चश्मिश टेक। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये अमेज़ॉन एफिलिएट का कोर्स हमारा स्टार्ट है। और अगर आप ये फर्स्ट वीडियो ही देख रहे हैं तो इससे पहले भी वीडियोज बन चुकी हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उस कोर्स को लाजमी वॉच करें। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ईच एंड एवरीथिंग थ्रू प्रैक्टिकली आपको गाइड करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अपने आर्टिकल का अट्रैक्टिव टाइटल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। एक कैची टाइटल बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन जहाँ पर आप इस चीज़ को इजी समझते हो वहाँ पर कई लोगों के लिए मसला भी क्रिएट कर देता है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप एक कैची टाइटल नहीं क्रिएट करते, नहीं लिखते अपने आर्टिकल का, तो आपका आर्टिकल के चांसेस कम होते हैं कि वो रैंक कर पाए या कोई भी व्यूअर आपके आर्टिकल को रीड करे। आर्टिकल को रीड करवाने के लिए सबसे पहले हमें एक कैची टाइटल बनाना लाजमी होता है। कि सबसे पहले तो आपने अपना आर्टिकल देखना है कि आपका आर्टिकल किस टाइप का है। जैसे कि अगर इंफॉर्मेशन है तो हमने उसको इंफॉर्मेटिव टाइप जो है उसका आर्टिकल का टाइटल बनाना है। अगर वो हमने कमर्शियल हमारा टाइटल है, कमर्शियल हमारा कीवर्ड है, उसका हमने कमर्शियल बेस्ड जो है वो कैची सा टाइटल बनाना है, क्रिएट करना है। इन दोनों में डिफरेंट ये चीज़ें आ जाती हैं कि इंफॉर्मेशनल में लोग जस्ट इंफॉर्मेशन लेना आते हैं, लेकिन कमर्शियल में लोग क्या आते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानना भी चाहते हैं और उसको बाय भी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वो एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुँचे होते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है, जीत उसके बारे में वो नॉलेज लेना चाहते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा बेस्ट है, हमें परचेज़ करनी चाहिए या फिर नहीं। इन दोनों में से येस और नो में वो आकर आपका आर्टिकल रीड करते हैं। अगर आपके आर्टिकल के अंदर उनको वो चीज़ मिल जाती है जिसकी वजह से वो बाय करना चाहते हैं, तो लाजमी बात है अगर आप वो लिंक दोगे तो आपकी लिंक से वो क्लिक करके, एफिलिएट लिंक से क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा। अब बात कर लेते हैं कैची टाइटल कैसे क्रिएट किया जाए। जैसे कि आप अगर हेडफोन्स को सेल करना चाहते हो तो आप ये लिख देते हो कि बेस्ट हेडफोन्स, जैसे कि आप यहाँ पर लिख देते हो बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्या है, एक कीवर्ड है, और यही हम टाइटल ऐड अगर कर देते हैं, क्या इस टाइटल के ऊपर हमें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 100। तो ये एक देखने वाले को ये लगता है कैची है, लेकिन नहीं यार, ये कैची नहीं है।
हर बंदा, अगर अब मैं यही सेम एज इट इज यहां पर कॉपी करता हूँ, गूगल में जाकर पेस्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, लाखों के हिसाब से यहाँ पर वेबसाइट बनी हुई है जिन्होंने सेम इसी तरह की चीज़ों को लिखा हुआ टाइटल तो ऐड किया, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 100 ऑफ 2021, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 100, और इसी के साथ अगर नीचे आ जाते हैं तो बेस्ट चीप हेडफोन्स एंड ईयरबड फॉर 100 $100। तो ये चीज़ देखें कि सेम यही चीज़ें लोगों ने आगे पीछे करके सेम उसी चीज़ को यहाँ पर ऑलरेडी उनके ऊपर ये वाले टाइटल बने हुए हैं और लोगों ने यूज़ किया हुआ है। अगर आप कुछ डिफरेंट काम करोगे तो तब गूगल भी आपसे राज़ी होगा, गूगल भी आपको रैंक करने में हेल्प देगा, और उसके बाद आपको चांस मिलेगा कि आप रैंक हो पाओगे और आपको चांस मिलेगा अच्छी ट्रैफिक आने का। जब आपका टाइटल दूसरी वेबसाइट से हटके होगा, कैची होगा, तो लोग उन वेबसाइट से, ये जितनी भी वेबसाइट्स आ रही होंगी, इन टॉप 10 रिजल्ट्स में अगर आपका 9th नंबर पे भी आपकी वेबसाइट होगी, टाइटल आपका कैची होगा, तो लोग आपकी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो उसकी तरफ रीड करेंगे आपके टाइटल को। आपके टाइटल को रीड करने के बाद आपके आर्टिकल पे जाएंगे, आर्टिकल को रीड करेंगे और आपके एफिलिएट लिंक से वो ज़रूर बाय करेंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100, अगर हम सेम एज इट इज़ इसके ऊपर अपना आर्टिकल लिखवा लेते हैं लेकिन इसके टाइटल को हम कैची नहीं बनाते तो फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी सेम एज इट इज़ टाइटल के साथ आपको ये वेबसाइट मैंने गूगल के ऊपर दिखा दी है कि लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो फ़ायदा हमें क्या होगा। हमें डिफरेंट काम करना होगा तो हम तब ही यहाँ पर सक्सेस हो सकेंगे, तभी हम यहाँ पर रैंक हो सकेंगे। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अब इसको कैची कैसे बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पर 3 से 4 वर्ड्स बता देता हूँ, जैसे कि बेस्ट हेडफोन्स हैं अंडर $100, हमने इसी को कैची बनाना है। मैं किसी और की तरफ नहीं अब जाऊंगा, मैं इसी को आपको बताता हूँ कि इसको हमने कैसे जो है वो बनाना है कैची। अब यहाँ पर हम जस्ट क्या करेंगे, टॉप अगर हमारे पास प्रोडक्ट आर्टिकल के अंदर 15 है, 16 है, 10 है, 5 है, वो तो डिपेंड करती है आप पे कि वो कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अगर मीन टू से दैट अगर 7th ही लगा लें, टॉप 7 बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100। और ये चीज़ देखें, अब थोड़ा सा मज़ीद अब क्या हो चुका है जी, कैची हो चुका है। अब हमने यूज़र को पहले क्या हम दे रहे थे चीज़, उसको ये बता रहे थे कि बेस्ट हेडफोन्स है अंडर $100 के अंदर, जो कि हमारे पास लिस्ट के अंदर हैं। लेकिन अब मज़ीद हमने यूज़र को ये बताया कि टॉप 7 हमारे पास ऐसे बेस्ट हेडफोन्स हैं जो कि $100 के अंदर आपको मिलेंगे। और अगर हम साथ ये चीज़ और ऐड कर देते हैं कि टॉप 7 फास्ट सेलिंग बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100, अब देखेंगे ये कितना मज़ीद कैची हो चुका है। अब आप ये कहोगे कि यार गूगल हमें इसके ऊपर रैंक करेगा, हमारा तो ये कीवर्ड ही चेंज हो चुका है। नहीं, आपका मेन कीवर्ड जो है वो यही है, बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100। लेकिन हम जो ये साथ में मज़ीद अपने पास से वर्डिंग ऐड कर रहे हैं, ये जस्ट हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग कीवर्ड्स इसको बोलते हैं। तो ये जस्ट हम अपने टाइटल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए साथ ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि टॉप 7, पहले था टॉप 7 बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100, लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि टॉप 7 फास्ट सेलिंग बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100। अब यूज़र मज़ीद अट्रैक्ट होगा कि और वो देखेगा कि टॉप 7 हमें ऐसे हेडफोन्स मिल रहे हैं जो कि $100 के हैं, लेकिन वो फास्ट सेल हो रहे हैं। जैसे ही आप अपना ही आइडिया लगा लें, बैठ के सोचें कि जब आप किसी भी वेबसाइट को पे ऊपर जाते हो, उसको एनालाइज करते हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सर्च करने में, तो आप गूगल पे जाते हो, उस वर्ड को, उस कीवर्ड को, उस अपनी क्यूरी को सर्च करते हो गूगल के ऊपर, और जैसे आपके सामने कोई एक दो वेबसाइट्स आ जाती हैं तो उनमें से आपको सोल्यूशन मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप उनके ऊपर क्लिक करते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ रीड करोगे तो अगर आपको उसके अंदर कोई भी आइडिया नहीं मिलता कि यार ये वाली प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, या ये जो आप क्यूरी के बारे में सर्च करने जा रहे हो कि वही आपको उसके बारे में आइडिया नहीं मिल रहा, नॉलेज मुकम्मल तौर पे नहीं मिल रहा कि यार ये बंदा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप उस वेबसाइट को क्या करोगे, उसी वक्त बंद कर दोगे। इसी तरह आप फिर दूसरी वेबसाइट पे जाओगे, उसको ओपन करोगे और उसके ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करोगे, अगर आपको उसके ऊपर प्रॉफिटेबल नॉलेज मिलता है, आपके मतलब का नॉलेज मिलता है, तो आप लाजमी बात है कि उसको ज़्यादा आप जो उसे फोकस करोगे, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे और उस आर्टिकल को आप रीड करोगे। सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि जब आप पहले पैराग्राफ के अंदर, फर्स्ट पैराग्राफ अपने आर्टिकल के अंदर कैची चीज़ें ऐड कर देते हो, उसकी थोड़ी सी क्यूरी को पहले पैराग्राफ के अंदर ही सॉल्व कर देते हो, तो वो आपके आर्टिकल के अंदर ज़्यादा देर ठहरेगा,
ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और उसको ज़्यादा जो है वो रीड करेगा, इससे यह टाइम जो है जितना ज़्यादा स्पेंड करेगा ये चीज़ गूगल रीड करती है और इस बेस पे भी आपकी वेबसाइट्स को वो रैंक करती है। आपको यहाँ पर मज़ीद अब और भी आइडियाज़ देता हूँ, प्रैक्टिकली अब करके दिखाता हूँ कि कैसे हम मजीद आर्टिकल लिख सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, जैसे कि अगर हम शूज़ के रिलेटेड यहाँ पर कोई वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं, शूज़ फॉर मेन कर लेते हैं, बेस्ट शूज़ फॉर मेन कर लेते हैं, और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ वेबसाइट्स आ रही होंगी उन्होंने क्या काम किया हुआ है, तो उसके रिलेटेड हम जो है यहाँ पर अपना काम करेंगे और उसके रिलेटेड जो है हम देखेंगे और पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं, मेरा ख्याल ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ रही हैं, तो हमें तो ब्लॉग वेबसाइट चाहिए थे, बेस्ट शूज़ फॉर मेन अंडर 1000 चले कर लेते हैं। तो अब मज़ीद जो है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो चुका है, अब हमारे सामने वो वेबसाइट्स आएंगी जो कि ब्लॉग्स वेबसाइट होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आ चुकी है जी, इसको ओपन कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेंगे, एंड यहाँ पर थर्ड नंबर पे ये वेबसाइट आ गई, इसको हम ओपन कर लेते। अब ये वाली हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है जी, मेरा ख्याल है कि ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट आ चुकी है, लेकिन आपको यहाँ से ही आइडिया हो जाएगा इस बंदे ने स्टार्टिंग पॉइंट क्या किया हो क्या। उस बंदे ने यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम सबको वो चीज़ चाहिए, हम सबको वो चीज़ की ज़रूरत है जो कि हमें हेल्दी और फिट रख सके, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हम अपने काम के अंदर ज़्यादा मसरूफ़ हैं जिसकी वजह से हम जिम नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको ऐसे शूज़ के बारे में बताता हूँ जो कि 20 to 30 मिनट अगर आप भागेंगे तो आपके पाँव को कंफर्टेबल रखेगा और उसके बाद आपके पाँव की शेप्स को भी ठीक रखेगा। और यहाँ पर नीचे पैराग्राफ के अंदर उसने मैंशन किया बट गेटिंग यूर हैंड्स ऑन प्रीमियम रनिंग शूज़ शुड नॉट मीन दैट यू हैव टू स्पर अ फॉर्चून विच इज़ यूजली द केस वैन यू गो फॉर ए ग्रेट ब्रांड्स लाइक नाइकी एंड एडिडास। सो हेल्प यू टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, हेयर आर द बेस्ट रनिंग शूज़ अंडर $1000। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ के अंदर अब आप आकर उस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, प्रोडक्ट के बारे में उसने अट्रैक्ट किया यूज़र को। अब वो ये कह रहा है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक प्रीमियम शूज़ महंगे शूज़ ही आपको कंफर्टेबल दे सकते हैं, आपके जो है आपकी रनिंग को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे बड़े से बड़े ब्रांड भी होते हैं नाइकी एडिडास, लेकिन आपको यहाँ पर एक ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में, बेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अफोर्डेबल भी होंगे प्राइस के अंदर और बेस्ट होंगे रनिंग के लिए और जो कि $1000 के अंदर आपके बजट के मुताबिक जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और नीचे जो है उसकी प्रोडक्ट स्टार्ट हो चुकी है। मतलब बताने का यह है कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसने पहले यूज़र को गाइड किया है, थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट किया है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसने अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया। इसी तरह दूसरी जो है वेबसाइट की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर भी देखें उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप जिस वेबसाइट को भी ओपन करोगे उसने यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ उसको बनाया होगा। तो यहाँ पर जी वो क्या कह रहा है कि लुकिंग फॉर द बेस्ट लाइट वेट बेस्ट रनिंग शूज़ अंडर द बजट ऑफ 1000 इन इंडिया, यू आर एट द राइट प्लेस। उसने क्या किया है कि अगर आपको 1000 बजट के अंदर बेस्ट लाइट वेट शूज़ चाहिए इंडिया के अंदर, तो आप बिल्कुल एक ठीक जगह पर आ चुके हो। यू आर एट द राइट प्लेस, हेयर इज़ द पोस्ट, वी विल शो यू बेस्ट सम बेस्ट रनिंग शूज़ अंडर $1000। नो डेज इज वेर डिफिकल्ट टू गेट द बेस्ट रनिंग शूज़ बिकॉज सो मैनी पॉपुलर ब्रांड्स आर देयर इन द मार्केट, सो टू एंड टू फाइंड वन एट द लोएस्ट प्राइस इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब इस बंदे ने ये चीज़ ऐड तो की है लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कैची नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी? क्योंकि इससे पहले वाले बंदे ने जो चीज़ ऐड की थी उसने क्या काम किया था कि पहले उसने अपने यूज़र को अट्रैक्ट किया है, उसकी ज़रूरत को, उसकी क्यूरी को सॉल्व किया है और फिर जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में उसने लिखा है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आते ही उस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप इस तरह काम करो। देखो हमें साथ ही दोनों एग्जांपल्स मिल चुकी हैं। अब तीसरी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, इस बंदे ने क्या काम किया हुआ है ताकि हमें हर चीज़ जो सी है वो सॉल्व होनी चाहिए। अब ये तीसरी वेबसाइट मेरा ख्याल है कि सेम ही है, तो हम इस वेबसाइट को छोड़ देते हैं, हम किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद आइडिया हो जाए कि हमने कैसे काम करना है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं ताकि आइडिया हो कि इस वेबसाइट, अब तीसरी वेबसाइट ने क्या काम किया हुआ है। अब तीसरी वेबसाइट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस बंदे ने यहाँ पर लिखा हुआ है, शूज़ स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसने एग्जांपल के साथ स्टार्ट किया हुआ है
कि शूज़ जो होते हैं वो आपके वर्ड से ज़्यादा स्पीक लाउडर होते हैं। दिस इज़ परफेक्ट एंड कम्प्लीट सेंटेंस फॉर एवरी वन टू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट शूज़ कैन बी। उसने कहा कि ये एक परफेक्ट और कम्प्लीट सेंटेंस है उन सब के लिए जो कि रियलाइज करते हैं कि कितने शूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन अर्लियर डेज वी यूज टू बाई द बेस्ट शूज़ फॉर फिक्स्ड ब्रांड्स, बट इन टू डेज टाइम देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। बंदे ने ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दिया कि पहले हम जस्ट ये करते थे कि एक फिक्स्ड ब्रांड्स की तरफ हमारा माइंड बना हुआ था, एडिडास के लेने हैं, हमने इस ब्रांड के ही लेने हैं, इससे हटकर हमने किसी के नहीं ब्रांड के शूज़ लेने। लेकिन इस टाइम अब क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम कौन से जो से ब्रांड की तरफ जाएं, यहाँ पर हमें बजट भी मिले, बजट शूज़ मिले और साथ ही साथ हमें कंफर्टेबल मिले। दिस हैज़ इंक्रीज्ड कंपटीशन इन मार्केट एंड चूजिंग द बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर योर फीट इज़ डिफिकल्ट नोवाडेज, सो वी हैव ट्राई टू रिड्यूस द एफर्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मैन अंडर 1000 रुपीज़ बाय डूइंग एक्सटेंसिव रिसर्च। ये चीज़ काफ़ी अच्छी उसने ऐड कर दी ये वाली लाइन। लेकिन इस बंदे ने भी अब वही मिस्टेक की है सेम एज इट इज जो इससे पहले वाले बंदे ने की थी कि अपनी प्रोडक्ट को पहले ले आते हैं, यार ये चीज़ समझ नहीं में नहीं आती, लेकिन क्यों नहीं उसकी क्यूरी को क्यों नहीं सॉल्व। अब देखो मैंने इंटरनेट पे ऊपर सर्च किया, गूगल के ऊपर सर्च किया कि बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मैन अंडर 1000 के लिए कौन कौन से हैं, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर वो हमें मुझे ये बताए कि शूज़ कौन से हैं, वो मुझे क्यों इम्पोर्टेंट हैं और शूज़ जो से हैं वो आपकी लाइफ को किस हद तक बेस्ट बना सकते हैं। जस्ट मैं नहीं कहता कि इसके ऊपर बड़े से बड़ा पैराग्राफ लिख दो, जस्ट दो लाइन ही लिख दो, लेकिन लिखो लाजमी, और उसके बाद तीसरी लाइन आपकी फिर आपकी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो आर्टिकल लिखेंगे वो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड नहीं लिखेंगे, हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाना है, तो लाजमी बात है हम तीसरी लाइन के अंदर अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देंगे। और इससे क्या होगा कि यूज़र जो है वो बोर भी नहीं होगा और प्रोडक्ट के बारे में रीड भी कर लेगा और अट्रैक्ट भी हो जाएगा और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी टाइम स्पेंड करेगा। अब मैंने आपको ये तीन वेबसाइट ओपन करके इसका मुकम्मल एनालाइज करके बता दिया है, और बताने का मकसद ये था कि आपने अपनी वेबसाइट का फर्स्ट पैराग्राफ, वेबसाइट के आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ किस तरह अट्रैक्टिव बनाना है और किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी जो वेबसाइट के ऊपर काम हुआ है, तो के हेल्पिंग कीवर्ड्स हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के आर्टिकल्स के अंदर, इनको क्यों यूज़ किया जाता है और ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, और ये कहाँ से पिक किए जाते हैं अगर हमने इनको यूज़ करना हो आर्टिकल्स के अंदर। हेल्पिंग कीवर्ड्स मींस ये होता है कि अगर आपका एक आर्टिकल है, आपने कीवर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सामने कर देता हूँ बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100, आपका ये एक कीवर्ड है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 100 लिखना चाहते हो या आपने ऑलरेडी लिखवा लिया है, लेकिन आपको अब इसके अंदर हेल्पिंग कीवर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत है और रहेगी जब, लेकिन जब तक आप इसके अंदर हेल्पिंग कीवर्ड्स ऐड नहीं करोगे आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। अब हेल्पिंग कीवर्ड्स इसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं और वो कैसे होते हैं और उनकी कैसी शक्ल होती है, ये चीज़ें अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100, ये हमारा एक कीवर्ड है जिसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखवाना है, लेकिन साथ हम अपने आर्टिकल राइटर को जो भी हमें आर्टिकल लिख कर देगा या आप खुद लिखना चाहते हो, ये चीज़ आप लाजमी उसके अंदर ऐड करोगे कि बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100 के लिए एक हेल्पिंग कीवर्ड्स उसको निकाल कर दोगे, ताकि जहाँ जहाँ पर वो ऐड होना चाहते हैं हेल्पिंग कीवर्ड्स, वो वहाँ पर वो लाजमी ऐड करें। और यहाँ पर सर्च करना है अपना कीवर्ड, आपका जो भी कीवर्ड है, जैसे कि आपका कीवर्ड है बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100 है, तो सिंपल मैं इसको सर्च कर लेता हूं। और इसके रिलेटेड हमें क्या चाहिए जी, हमें एक हेल्पिंग कीवर्ड्स चाहिए। हेल्पिंग कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जितना चाहते हो उतने ज्यादा, अब जितनी सोच है आपकी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग कीवर्ड्स। आपकी वेबसाइट को आपकी बैंक लिंक्स जो होती है वो भी रैंक होने में हेल्प प्रोवाइड करती हैं, आपके वेबसाइट्स को आपके आर्टिकल को रैंक होने के लिए आपका टाइटल भी इंपॉर्टेंट है, आपकी वेबसाइट को रैंक होने के लिए आपका कम्प्लीटली आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर इमेजेस, वीडियोस और उसको कम्प्लीट एक स्ट्रेटजी के मुताबिक, एक स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको ऐड करना, राइट करना आर्टिकल को, ये सारी चीज़ें SEO में आती हैं और इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। जब तक आप हेल्पिंग कीवर्ड्स ऐड नहीं करोगे अपने आर्टिकल के अंदर, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, बेशक आप जितना मर्जी जोर लगा लो।
अब हेल्पिंग कीवर्ड्स, फिर वही बात आ जाती है कि आखिर ये क्या ऐसी बला है जो कि हमें नहीं पता, या अगर पता है तो ये कहाँ से हम इनको पिक कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट हेल्पिंग कीवर्ड्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं। देखो आपने एक आर्टिकल, आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर उसी चीज़ पे आ जाते हैं कि अगर आपने एक आर्टिकल लिखवाना है और आपने अपने आर्टिकल राइटर को या ख़ुद आपने एक आर्टिकल का एक टाइटल आपने पकड़ लिया है, बेस्ट हेडफोन अंडर $100, ये आपका टाइटल है, यही आपका कीवर्ड है। अब आप क्या करोगे कि इसी के ऊपर सेम अपना जो है वो पैराग्राफ लिखते जाओगे लिखते जाओगे, लेकिन आप अपने 2000 वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे, ओके। लेकिन आप उसके अंदर जब तक हेल्पिंग कीवर्ड्स नहीं ऐड करोगे, आर्टिकल जब भी रैंक होगा वो इस टाइटल पे रैंक होगा, लेकिन इससे हटकर वो कभी भी दूसरे जो से हैं वो हेल्पिंग कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं होगा, जैसे कि दूसरे लोगों के रैंक हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एग्जांपल देता चलता हूँ यहाँ पर साथ ही, कि बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100 हमारा मेन कीवर्ड है, मेन टाइटल है, और यही हमारे आर्टिकल का मेन कैची टाइटल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम आर्टिकल अब लिखेंगे तो क्या अगर हम उसके अंदर ये चीज़ भी ऐड कर दें, चीप हेडफोन्स अगर हम ऐड कर देते हैं और उसी के बाद हम साथ ये ऐड कर देते हैं बजट हेडफोन्स, तो क्या ये वाले जो कीवर्ड्स हम ऐड कर रहे हैं क्या इनके ऊपर भी हमारा आर्टिकल रैंक नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा। देखो जब हम इस चीज़ को बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100 को जो है वो लेकर जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उसी के अंदर हम अगर इन चीज़ों को भी ऐड करते चलते हैं, ये हमारे हेल्पिंग कीवर्ड्स होते हैं, चीप हेडफोन्स, बेस्ट हेडफोन्स, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप और भी कोई आपके माइंड के अंदर आते हैं हेल्पिंग कीवर्ड्स, आप उनको भी ऐड करो, तो यहाँ पर आपके जैसे कि यहाँ पर मेरे माइंड के अंदर अब एक और आ चुका है जी, कंफर्टेबल हेडफोन्स, ये चीज़ हमने ऐड कर देते हैं, और उसके बाद मेरे माइंड के अंदर एक और आ चुका है जी, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन, तो ये भी हम मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पिंग कीवर्ड है। क्यों है जी? क्योंकि लोग इसके बारे में सर्च करें। अभी नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स और उसके बाद कंफर्टेबल हेडफोन्स, बजट हेडफोन्स, चीप हेडफोन्स, अगर आप इन चीज़ों को चारों पांचों को भी ऐड करते हो हेल्पिंग कीवर्ड्स को अपने टाइटल्स के अंदर, सॉरी अपने आर्टिकल्स के अंदर, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल इस टाइटल के ऊपर तो रैंक होगा, लेकिन साथ ही जब गूगल रीड करेगा, गूगल आपके अकेले टाइटल को रीड नहीं करता, ये चीज़ माइंड के अंदर रखो, गूगल आपके सारे के सारे पैराग्राफ को, सारे के सारे आर्टिकल को रीड करता है, और फिर उसका अपने पास एक डाटा बनाता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, कोडिंग की लैंग्वेज के अंदर वो जो है अपने पास डाटा क्रिएट करता है, और जब उस डाटा को मैच करता है, जब कोई भी यूज़र आपकी क्यूरी जब उसको होती है, कोई भी जैसे कि अगर वो सर्च करता है गूगल के ऊपर, कुछ भी सर्च करे, जैसे कि मैंने सर्च किया कि बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100, ये एक मेरी क्यूरी थी, गूगल देखेगा कि इस बंदे को ऐसे हेडफोन्स चाहिए जो कि $100 के अंदर हों, और साथ वो ये अगर ये भी ऐड कर देता है कि हमने तो यहाँ पर अपना टाइटल रख दिया कि बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100, लेकिन हमने ये तो नहीं लिखा कि बेस्ट चीप हेडफोन्स अंडर $100, लेकिन अगर यूज़र को ये चीज़ चाहिए, कोई भी बंदा आता है, मैं ही सर्च करता हूँ, आप सर्च करते हो, आपको ये चीज़ चाहिए कि बेस्ट भी होने चाहिए हेडफोन्स, चीप भी होने चाहिए, बजट वाले भी होने चाहिए, कंफर्टेबल भी होने चाहिए, नॉइस कैंसलिंग भी होने चाहिए, अगर वो कुछ इस तरह का टाइटल बना लेता है अपने पास, फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा कि जिन बंदों ने ये वाले हेल्पिंग कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ किया होगा, उनकी वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स के अंदर आ जाएंगे, गूगल उनको टॉप रिजल्ट्स के अंदर शो करेगा, क्योंकि गूगल के पास वो डेटा है उन वेबसाइट्स का, जिन वेबसाइट्स ने इन हेल्पिंग कीवर्ड्स को भी अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ किया हुआ है, आर्टिकल्स के अंदर यूज़ किया हुआ है, तो गूगल तो वही एग्जैक्ट डेटा मैच करके अपने यूज़र को देगा, ट्रैफिक जो भी बंदा आएगा उस चीज़ के बारे में क्यूरी सर्च करेगा, ना कि वो आपका आर्टिकल देगा, आपके आर्टिकल को सामने लेकर आएगा, क्योंकि आपने तो उस चीज़ को सॉल्व भी नहीं किया, आपने जस्ट इस चीज़ को सॉल्व किया कि बेस्ट हेडफोन्स अंडर 100। तो अगर आप साथ ये चीज़ें भी सॉल्व करते हो, तो फिर यूज़र अगर वो सर्च ये भी कर लेता है कि बेस्ट बजट कम्फर्टेबल नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स अंडर $100, तो चांसेस होते हैं कि आपका वहाँ पर आर्टिकल शो हो। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला बंदा या फिर जो है वो लोग इन हेल्पिंग कीवर्ड्स को भी सर्च कर रहे हैं? उसके लिए आपने जस्ट क्या करना है कि आपके पास सबसे बड़ा टूल है अवेलेबल है, ऐसे तल्ले मार रहे हो, गूगल। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यार, आप जो लिखोगे आपके सामने आ जाएगा। अब मेरा क्या टाइटल था जी? बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100। मैं ये इसी चीज़ को लिख देता हूँ जी, बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100, और मुझे इसी के रिलेटेड क्या चाहिए? हेल्पिंग कीवर्ड्स चाहिए, मैं इसी को सर्च कर लेता हूँ जी। गूगल के ऊपर मैंने लिख दिया बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100।
अब मुझे जो हेल्पिंग कीवर्ड्स वो कहाँ से मिलेंगे, सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ सारे लास्ट के अंदर। जैसे लास्ट के अंदर आते हो, अब ये जितने भी आपको सर्च रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये वो सर्च रिजल्ट्स हैं जो कि लोग इसी के रिलेटेड सर्च करें। बेस्ट हेडफोन्स अंडर 200, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 50। देखो, अगर आप बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100 के अंदर काम कर रहे हो, तो आप लाजमी बात है उसके अंदर $50 वाले भी हेडफोन्स ऐड करोगे, $60 वाले भी ऐड करोगे, $100 वाले भी ऐड करोगे, $80 वाले भी ऐड करोगे। तो आप इस तरह के कीवर्ड्स को भी साथ फिर यूज़ करो। बेस्ट हेडफोन्स अंडर 50, अगर कोई बंदा बेस्ट हेडफोन्स अंडर 100 नहीं सर्च करता, वो ये सर्च कर लेता है बेस्ट हेडफोन्स अंडर 50, तो तब भी आपका आर्टिकल वहाँ पर शो होना चाहिए। उसके बाद बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स अंडर 100, देखें आपने तो यहाँ पर बेस्ट हेडफोन्स अंडर 100 डाल कर लिया, लेकिन अगर यूज़र को वही क्यूरी है कि वो अगर वायरलेस चाहता है, तो फिर आपका आर्टिकल वहाँ पर नहीं शो होगा, तो वो आप यहाँ पर फिर उस चीज़ को ऐड करो, बेस्ट वायरलेस हेडफोन। यहाँ पर है जी बेस्ट वायरलेस हेडफोन अंडर 2021। अब ये मैं चीज़ें कहता भी हूँ और नहीं भी कहता, 50% है कि आप उस ईयर को मेंशन करो या ना करो, ये आप डिपेंड करता है, ये कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखो बेस्ट बजट ओवर ईयर हेडफोन्स भी आ चुके हैं, बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन्स अंडर $100, बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स अंडर $100। अब ये कितनी चीज़ें जो कि आप मिस करोगे अपने आर्टिकल के अंदर, लेकिन यहाँ पर जैसे आप अपने कीवर्ड के रिलेटेड हेल्पिंग कीवर्ड के सर्च के अंदर जाओगे, तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपके माइंड के अंदर ही नहीं होंगे, लेकिन जैसे आपको वो सामने आ जाएंगे, फिर आप लाजमी बात उनको टारगेट करोगे और अपने आर्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं उनको मेंशन करोगे पैराग्राफ की शेप के अंदर, और उनको क्यूरी को उनको इन क्यूरीज को भी सॉल्व करने की आप कोशिश करोगे। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियोज़ और मेरी बातें पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह।